आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 कुल 7 चरणों में होना है। वहीं 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार यानी 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब कोशिश हो रही है। वहीं चुनाव आयोग ने पांचवे चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए हैं। पांचवे चरण में प्रदेश के 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है और 2022 विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नए प्रक्रिया भी सामने आए हैं। उसमें अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो जिस तरह से 2022 का विधानसभा हॉट सीट बना हुआ है और 2022 विधानसभा कुल 7 चरणों में होना था, तो वही चौथे चरण तक चुनाव हो चुका है। पांचवे चरण का चुनाव होना है। वहीं पांचवे चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होना है। रविवार यानी 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब कोशिशें की जा रही हैं। वहीं चुनाव आयोग पांचवें चरण के लिए मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी किए गए हैं। वहीं हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं आपको अपडेट देने के लिए कि आज कौन कौन सी जगह पे चुनावी प्रचार थम जाएंगे। अमेठी और से वीरेंद्र तिवारी और अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन से दिग्गज आज अमेठी पहुंच रहे हैं? आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार का पांचवें चरण के लिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रहे हैं, जहां सौरी में अपनी जनसभा करेंगे और सौरी से निकलकर पैदल यात्रा करेंगे और यात्रा करने के दौरान सलोन में जाके अपनी दूसरी जनसभा करेंगे। जी, ये तो रही बात कांग्रेस की और सत्ताधारी पार्टी से कौन से दिग्गज आज अमेठी पहुँच रहे, क्योंकि अमेठी भी एक हॉट सीट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अमेठी पे जी मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए सपा या बसपा, कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं आपस में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक भारी चुनौती के बीच ये चुनाव होने अमेठी के अंदर जा रहा है। जी, हम आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। राघवेंद्र, आज कौन कौन से दिग्गज अयोध्या में है? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का पांचवें चरण के लिए। जी बिल्कुल, तिजला आपको बता देंगे जिस तरीके पांचवे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, तो उसको लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां अब पूरे दमखम में हैं। और अगर बताया जाए कि अखिलेश यादव 11:30 बजे इनकी जनसभा रहेगी, उसके बाद ये मिल्कीपुर में जाएंगे, उसके बाद ये 1:30 बजे 1:30 पर इनका रोड शो होगा। रोड शो जो है वो रामकथा पार्क से निकलेगा और अयोध्या के गांधी मैदान तक जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 8 किलोमीटर ये लंबा रोड शो रहेगा जी, जिसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क है। जी जी राघवेंद्र, सत्ताधारी पार्टी से कौन से दिग्गज आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर सत्ताधारी पार्टी की बात की जाएगी तो आपको बता दें कि अपर्णा यादव भी आने की संभावना है, उसको लेकर के। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, संजय निषाद, उनकी भी जनसभा है बीकापुर विधानसभा में, उसको ले। और आपको बता दें कि ये सारी की सारी पार्टियां जो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, और इनके सारे बड़े लीडर आ चुके हैं, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा रहा है, उनकी 2 जनसभाएं थी, उसके बाद इनका रोड शो चला है, तो उसी आधार पे आज समाजवादी पार्टी के भी मुखिया
माने जाते हैं अखिलेश यादव और उनकी भी दो जनसभाएं हैं और उसके बाद ये रोड शो भी करेंगे। जी जी राघवेंद्र, अयोध्या एक हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर अपने पुराने प्रत्याशियों पे ही भरोसा दिखाया है, उन्हें ही टिकट दिया, तो ऐसे में वहां के प्रत्याशियों की क्या कुछ जमीनी तैयारी है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा पांचवे चरण के लिए और अयोध्या एक अहम सीट है। बिल्कुल, अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्षेत्र की, तो जो भी इनके पुराने प्रत्याशी थे, जो उनके पुराने विधायक थे, उन्हीं को यहाँ पे टिकट दिया गया है और दमखम ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ से आपको बता दें कि अयोध्या जो है बीजेपी का गढ़ माना गया है, तो कहीं ना कहीं पांच साल अगर पीछे की बात की जाएगी तो पांच साल पीछे जो है वो कांग्रेस वो सॉरी माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से निकाली थी तीन सीट, उसके बाद एक सीट रामचंद्र यादव जो रुडोली से रहे हैं उनका निकला था, लेकिन अब बात की जाएगी तो वर्तमान विधायकों की कि यहाँ से क्या निकल के आता है निष्कर्ष, तो वो 10 के बाद ही पता लगेगा। जी, अगर बात अयोध्या की होती है तो अयोध्या के मुद्दे अहम है कि अयोध्या की जनता किस मुद्दे पे वोट देगी, अगर बात राम मंदिर की जाए तो अपने में एक बड़ी उपलब्धि है जो जनरली जनता मान रही है, लेकिन अयोध्या की जो जनता है, राम मंदिर अयोध्या में, अयोध्या राम नगरी कही जाती है, तो अयोध्या की जनता का मुद्दा क्या है राघवेंद्र, अयोध्या की जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट देने के मूड में है? देखिए अभी तक बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि अयोध्या का मुद्दा जो है वो राम मंदिर को लेकर के था, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे राम मंदिर को लेकर के मुद्दा बनाई थी, लेकिन उसके बाद अब जो मामला अयोध्या के लिए है तो वो विकास कार्यों को लेकर के है कि अयोध्या की जनता जो है वो ये चाहती है कि अयोध्या में कितना विकास हो रहा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये कैसे संभलेंगे और ये किन किन मुद्दों पर जा करके यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं यही लेकर के। जी, हम आपके पास थोड़ी देर लौटेंगे। वीरेंद्र हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, आपने बताया कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो वहां पे रैली भी है और एक तरह से देखा जाए तो एक समय पे गढ़ कहा जाता था अमेठी कांग्रेस का, लेकिन स्मृति ईरानी अभी वहां से है, तो स्मृति ईरानी का कितना कुछ इम्पैक्ट है अभी अमेठी पर और उनकी रैलियों का क्या प्रभाव रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर अपने गढ़ में है अमेठी, और वहीं पे उनकी एक रैली भी है थौरी से अमेठी में, और वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा भी अपने प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी को आज प्रचार के लिए अमेठी में उनको उतारा है, उनका भी रोड शो है और वो भी अपने भाजपा प्रत्याशियों के लिए अपने वोट मांगने का काम करेंगे। वीरेंद्र, अगर बात अमेठी की जनता की जाए तो अमेठी की जनता किस पार्टी के कामों से अभी तक संतुष्ट नजर आ रही है या फिर कुछ यूं कह के खुश नजर आ रही है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए इस बार चुनौती भरा चुनाव रहेगा और कहीं ना कहीं भाजपा से काफी नाराज तो नहीं दिख रहे हैं लोग। जी, बात किया जाए कई ऐसे मुद्दों के जो अहम मुद्दे बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से कौन सी पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने में सफल होगी? जी, आपको बता दें मुद्दे तो बहुत सारे रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने जो दावे हैं, अपने अपने जो वो है, सभी पार्टियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, लुभावने वादे किए हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपना दमखम पांचवें चरण के चुनाव में लगाया है। जी, अगर बात वहाँ की जनता की जाए तो कई ऐसे बीच में सामने बातें आते रही हैं कि वहां पर विधायक और सांसद तो बन जाते हैं लेकिन देखने थे, कई ऐसी वीडियो बीच में भी अमेठी से सामने आती रही है, तो क्या उनके सारी समस्याओं का निस्तारण हो चुका है वीरेंद्र, कि यह मुद्दा इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण होगा अमेठी में सारे प्रत्याशियों के लिए? जी, इस बार चुनौती भरा चुनाव होगा, ये पांचवे के चरण का चुनाव होगा, 27 तारीख को मतदान होना है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी जीत, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, जीतने के बाद क्षेत्र में तो जाने का नाम नहीं लेते और वहीं जब चुनाव करीब आता है तो चुनाव के दौरान वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं जनता नाराज तो दिख ही रही है। कामों की बात कर ले, वहाँ पे क्या कुछ विकास किए गए हैं अगर बात किया जाए तो 5 साल का कार्यकाल फिर से पूरा हो गया है और सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की तो स्मृति ईरानी सेंट्रल में भी है, तो किस तरह का विकास उन्होंने वहाँ पे किया और क्या कुछ योजनाओं का लाभ अमेठी की जनता को मिला है अभी तक?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि विकास के नाम पे चाहे वो रोड के हो और गड्ढा मुक्त सभी भाजपा पार्टी के लोग कहते मंत्री और योगी और पीएम मोदी सब लोग यही कहते थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, लेकिन गड्ढा नहीं भरा हो मतलब गड्ढे अभी वैसे के वैसे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सबसे ज्यादा रोड को लेके आक्रोशित है कि तीन तीन मंत्री दीदी स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ और अब देश के सीएम तो कहीं ना कहीं भारी आक्रोशित है अमेठी की जनता। जी मतलब अमेठी की जनता अपने मांग को लेकर अभी भी आक्रोशित है, क्या इसका कुछ असर कल जो चुनाव है उस चुनाव पे वोटिंग है 27 तारीख को, तो क्या इसका कुछ असर मतदान पे भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इसी गड्ढा रोड को लेके कई सारे विरोध प्रदर्शन किए गए, रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे बोर्ड लगाए गए और एसी में बैठने वाले नेताओं का आना यहाँ वर्जित है। तो कहीं ना कहीं रोड को लेके अन्य चीजों को लेके कहीं ना कहीं एक भारी अमेठी की जनता में आक्रोश है और इसी आक्रोश के लेके मतदान होगा और मतदान कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाएगा या सपा के पक्ष में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जी अब ये तो तभी 27 तारीख को ही जनता अपना फैसला सुनाएगी कि वो किसके काम से कितनी खुश है। जी हम आपके पास थोड़ी देर लौटेंगे, हम राघवेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। राघवेंद्र, अयोध्या एक हॉट सीट है, अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, उसके साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था अयोध्या में था वहां पे जमीनों को लेकर के था। जब राम मंदिर की जमीनें ट्रस्ट को दी जा रही थी तो उसको लेकर खासा विपक्षी पार्टियों ने भी निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहां के लोग कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जमीन ट्रस्ट में गए, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है और वो किस पार्टी से कितने सहमत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर अयोध्या के इस मामले को लेकर के अगर बात की जाएगी तो यहाँ की जनता जो है वो कुछ खासा नाराज दिखाई दी थी, तो इसको लेकर के बीजेपी नेताओं ने और यहाँ के प्रशासन ने, खासतौर पर अगर बात की जाएगी तो बीजेपी नेता वेद प्रकाश गुप्ता जो है वो मान मनोवल करवा करके और वहाँ पे वहाँ बात की थी, वहाँ के लोगों से जाकर के बात की है, उन्होंने कहा तो माने हैं नहीं तो ये कह रहे थे कि मतदान मैं नहीं करूँगा, सीधे वो वोट का बहिष्कार कर रहे थे। जी मतलब कुछ लोग खासा नाराज है इस जमीन वाले मुद्दे को देखिए, ये जमीन मुद्दा क्या इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा 27 तारीख को? जनता क्या इस मुद्दे को दिमाग में रख के बूथ तक जाएगी वो मतदान करने? देखिए अब मान मनोवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मान मनोवल की बात की गई और वो माने भी कि चलिए ठीक है जो भी होगा था ये हो गया है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं दर्शक जो है वो दिल के अंदर जनता बैठा के रखते हैं कि क्या मामला था, एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के हो चाहे वो यहाँ पे जहाँ पे ये अपना ये वहाँ पे जो इनका विकास कार्यों को लेकर के कुछ जगह ऐसी थी कि जो जमीन उनको अधिग्रहण के लिए लिया था जनता की। राघवेंद्र, वक्त कम होने के नाते हम एक छोटा सवाल आपसे लेना चाहेंगे, राम मंदिर बनने के बाद वहाँ पे रोजगार के भी अवसर काफी बढ़ गए, तो ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस बार की चुनाव में 27 तारीख को? जनता इससे कितनी खुश हो करके इस वक्त सत्ताधारी पार्टी को वोट देगी, क्योंकि राम मंदिर बनने से रोजगार के काफी अवसर अयोध्या में आए हैं? बिल्कुल, अगर राम मंदिर बनने के बाद रोजगार की बात की जाएगी तो अयोध्या में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो मिलेगा, यहाँ के मालियों को मिलेगा, यहाँ के दुकानदारों को मिलेगा, और अगर बात की जाए तो यहाँ पे होटल रहेंगे, धर्मशालाएं बन सकती हैं और सारी चीजें इस तरीके की निकल के रोजगार के संबंध में आएंगी। जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संवाददाता अयोध्या और अमेठी से हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि पांचवें चरण के चुनाव का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा, जनता अपने अपने मुद्दों के साथ। अगर बात अयोध्या सीट की जाए तो अयोध्या सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जहां एक तरफ राम मंदिर बनने के बाद काफी विकास हुआ अयोध्या में, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तो वही जमीन का एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वहां की कई जनता में खासा नाराजगी भी, हालांकि इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी ने लोगों को मनाने की कोशिश भी करी है और लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर लोगों का अहम मुद्दा था और राम मंदिर बनने से अगर बात अयोध्या की जाए तो काफी रोजगार के अवसर भी वहां पे बढ़े हैं, चाहे वो होटल हो चाहे वो टूरिज्म हो, टूरिज्म बढ़ने से लोगों को काफी व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने बताया भी कि अगर
अगर एक तरफ लोग जमीन के मुद्दे को लेकर नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार जो मिला है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखते हुए लोग 27 तारीख तक को मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अयोध्या हॉट सीट इसलिए भी है कि कई ऐसी कवायदें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गोरखपुर की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार यानी 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब कोशिशें हो रही हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पांचवें चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड नियमों का पालन करते हुए संपन्न कराने की आवश्यक तैयारियां भी कर ली हैं। वहीं अलग व्यवस्थाएं अगर बात की जाए दिव्यांग जनों की, महिलाओं की, तो सबके लिए हमेशा से चुनाव आयोग का ये निर्देश रहा है कि सबके लिए अलग व्यवस्था की जाए और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं पांचवें चरण में प्रदेश में 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए 27 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं लगातार अगर बात की जाए पहले 4 चरणों की, तो पहले 4 चरणों में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। हालांकि कई ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं। अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में ऐसे 1-2 केसेस सामने आए थे जहां पर लोग मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालते वक्त फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, जिसको लेकर प्रशासन पे भी सवाल या निशान खड़े हुए थे। हालांकि प्रशासन ने बाद में उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो अब देखना यह है कि पांचवें चरण के चुनाव में क्या कुछ रहता है, जनता कितना ना भरोसा दिखाती है और 27 फरवरी को सुबह जनता किन मुद्दों पर चुनावी बूथ पर पहुंचती है। सबसे अहम मुद्दा तो ये है, अगर बात वहीं अयोध्या और अमेठी की जाए तो अयोध्या और अमेठी दोनों ही हॉट सीट मानी जाती है। अयोध्या तो एक मुद्दा है राम मंदिर का, लेकिन अगर बात वहीं अमेठी की जाए तो अमेठी से हमेशा दिक्कत सामने रही। अमेठी में आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, जिसको लेकर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अमेठी के दौरे पर रहेंगे। वहां पे वो रोड शो करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां वोटर्स को अपने अपने पक्ष में साधने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा 2022 का चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होना है। वहीं पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होगा। 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। रविवार यानी 27 फरवरी को पांचवें चरण का चुनाव होना है। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब कोशिशें की जा रही हैं। वहीं बात अगर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की करें, तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पाले में जनता को लाने की कोशिश करेंगी। और सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकाबला 2 पार्टियों में है, लेकिन कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में संपन्न रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का एक जो अपना अभियान था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसके तहत प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिया, ये कहीं ना कहीं एक खासा इफेक्ट डालेगा। हमेशा से उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति पर आधारित रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी के इस मैनिफेस्टो ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 40% लड़कियों को टिकट देने की बात कहकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण महिलाओं को बनाने में थोड़ी सफल रही हैं। और हमेशा से महिलाओं का एक अहम रोल रहा है, महिलाएं हमेशा से एक साइलेंट वोटर्स के रूप में सामने आई हैं। चाहे बात 2019 लोकसभा की जाए तो 2019 लोकसभा में भी महिलाएँ एक शांत वोटर के रूप में सामने आई थी और एक बड़ा ही उन्होंने बदलाव लाया था। जिस तरह से एक
अलग ही तरह से महिलाएं सामने आई थी, और देखना यह है कि क्या इस बार भी इस तरह से महिलाएं सामने आती, क्योंकि कांग्रेस ने एक अच्छा मौका महिलाओं को दिया है 40% टिकट देकर। हालांकि अगर बात महिलाओं को टिकट देने की करें तो बिहार में भी एक बार ये मुद्दा रह चुका है, बिहार में भी ऐसा हुआ था, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया था यह, क्योंकि बिहार में ऐसा ही हुआ था कि जो महिलाएं या तो प्रतिष्ठित थी या तो उनके पिता या उनके पति ज्यादा संपन्न थे, उन्हीं को सफलता मिली थी। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% बात टिकट देने की कही गई है और टिकट दिया भी गया है, यह कितना उत्तर प्रदेश में सफल होता है, महिलाएं किस तरह से उभर कर सामने आती। हालांकि ये भी कहा गया है कि वुमेन्स और आर नॉट वोटर्स ओनली, और वही हमारे संवाददाता बहराइच और प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बात पहले प्रतापगढ़ की करेंगे। प्रतापगढ़ एक हॉट सीट है, वहां से अगर बात किया जाए, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और गुलशन यादव दोनों चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ माहौल है अभी वहां का? जी बिल्कुल, बता दें अगर कुंडा सीट की बात, ये जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा सीट पूरी तरीके से हॉट सीट मानी जाती है। जनपद प्रतापगढ़ में कोई भी प्रत्याशी यह नहीं कह सकता है कि अब की बार मेरी जीत प्रमुख है। बेहद कांटे की टक्कर जनपद प्रतापगढ़ के सातों सीटों, विधानसभा सीटों पर होने वाला है। बात करें यदि कुंडा सीट की, मैम प्रमुख जिस तरीके से राजा भैया के खेमे से ही निकलकर सपा पार्टी से गुलशन यादव अब की बार बेहतर टक्कर दे रहे हैं। कल बात करें अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कुंडा क्षेत्र में आकर के उनके लिए समर्थन मांगे तो वो भारी सैलाब देखने को मिला, तो ये कहा जा सकता है कि राजा भैया को अब की बार बेहतर टक्कर दिया जा सकता है। हम आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे, बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पहले हम ये जान लें कि बहराइच में कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है। उदय शंकर, आपको बताना चाहेंगे त्रिपाजी कि यहाँ पर सपा के जो है यासर शाह जी है, और बीजेपी के यहाँ पर अनुपमा जायसवाल जी जो सदस्य है, इनकी टक्कर ज्यादा अहम मानी जा रही है इस सदर सीट को लेकर जी। और क्या कौन कौन से, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो कौन कौन से दिग्गज आज वहाँ प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं? जी आपको बता दें कि आज जो है प्रयागपुर में मुकेश श्रीवास्तव जो कि सपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष के लिए अखिलेश यादव जी जो है लगभग 11 बजे उनका समय था, वो जो है आने वाले हैं। जी हम आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे उदय शंकर। हम प्रतापगढ़ की बात अगर कर ले, प्रतापगढ़ एक बहुत चर्चित सीट है, कई कॉन्ट्रोवर्सीज वहां से लगातार सामने आई, और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना प्रखर रूप से सपा ने किसी प्रत्याशी को उतारा है, क्या कुछ कवायदे लगाए जा रही है वहां की जनता में, क्या कुछ हलचल है प्रेम? जी बिल्कुल मैडम, अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ की, तो जनपद प्रतापगढ़ की जो अब की बार चुनावी हलचल है वो बेहद इंटरेस्टेड हमारे दर्शकों को देखने को मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जनपद प्रतापगढ़ में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो अब की बार भाजपा प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह बेहद कांटे की टक्कर देने वाले हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस वरिष्ठ नेता, उनकी पुत्री आराधना मिश्रा मोना, जो प्रमोद तिवारी कई बार से रामपुर खास के विधायक रहे हैं, उन्हीं के खेमे से उनकी ही पुत्री आराधना मिश्रा मोना दो बार विधायक रही हैं। और अगर बात की जाए कि रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में तीसरी हॉट सीट जो अभी हाल में ही घोषित की गई पट्टी, जो मोती सिंह यहाँ के ग्राम विकास मंत्री माने जाते थे, वहीं पर सपा ने अपने बेहतर दावेदार राम सिंह को उतार दिया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तीनों हॉट सीट पूरी तरीके से दिलचस्प हो चुके हैं। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में आज कई दिग्गज बेहतर स्टार प्रचारकों का दौरा होने वाला है। बात करें रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बौली में पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है, वही रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगंज में पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, बात की जाए प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आने वाली है, और विधानसभा विश्वनाथगंज में अनुप्रिया पटेल, और जिस तरीके से बाबागंज में अनुप्रिया पटेल, सदर में पूरी तरीके से रवि किशन, तो पूरे स्टार प्रचारक की निगाह जो है वो जनपद प्रतापगढ़ के पूरी तरीके से बनी हुई है। तो ये कहना पूरी तरीके से मजबूत रहेगा कि जनपद प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से अब की बार चुनावी माहौल जो है बेहद रोमांचक होने वाला है, और पूरी तरीके से राजा भैया की सीट को पूरी तरीके से खिसका दिया गुलशन यादव ने। देखना दर्शकों के लिए बेहद इंटरेस्टेड होगा कि अब की बार कौन पवेलियन की तरफ लौटता है। कुंडा जो है बेहद इंटरेस्टेड सीट है, हम
प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों तक कुंडा की पूरी तरीके से अपडेट देते रहेंगे, तो बेहद कुंडा पूरी तरीके से इंटरेस्टेड सीट रहेगी और गुलशन यादव एक बेहतर टक्कर देने वाले हैं। जी, अगर बात की जाए कुंडा विधानसभा सीट की तो कई कॉन्ट्रोवर्सियां हैं, उस पर लौटेंगे, लेकिन पहले हम बात रामपुर खास आराधना मिश्रा मोना की करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने एक नारा लाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकट महिलाओं को दिया, आराधना मिश्रा मोना कहीं ना कहीं हर जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़ी रही, तो इसका कितना इफेक्ट वहां की महिलाओं में पड़ा है, कितना अपनी तरफ लुभा पाएगी कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा मोना और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने वाकई में 40% टिकट महिलाओं को दी, तो हम वहां की महिलाओं का मत जरूर जानने की कोशिश करेंगे प्रेम की, वहां की महिलाओं को, महिलाओं में कितना उत्साह है प्रियंका गांधी और आराधना मिश्रा मोना को लेकर के। बात करें मैडम, आज रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगंज में पूरी तरीके से प्रियंका वाड्रा जी का आज यहां पर रोड शो होने वाला है और तैयारियां जो कांग्रेस प्रत्याशी जो आराधना मिश्रा पूरी तरीके से उनके खेमे से व्यक्ति जो है वो तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो जल्दी ये नजारा आपके सम्मुख हमारे दर्शकों के सम्मुख देखने को मिलेगा कि जो रामपुर खास एक बेहद इंटरेस्टेड सीट मानी जा रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं जहां तक ये नारा है, तो रामपुर खास में ये पूरी तरीके से कारगर भी साबित हो सकता है। जनता पार्टी को नहीं लेकर के, वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी के व्यवहार को लेकर के, उनके कार्यशैली को लेकर के अब की बार मतदान देने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये बेहद इंटरेस्टेड रहने वाला है। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं में खासा उत्साह भी है और अब की बार कितना बेहद इंटरेस्टेड रहेगा ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रामपुर खास में आज पूरी तरीके से आराधना मिश्रा मोना जी के साथ प्रियंका वाड्रा जी मौजूद होकर के रोड शो कार्यक्रम करेंगे और वहीं पर कार्यक्रम को पूरी तरीके से संपन्न कराने के भारी तैयार महिलाओं का भी आवागमन जारी है और कार्यक्रम जल्दी तैयारियां जो है जल्दी पूरी की जाएगी। जी प्रेम, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हम ये जान लेंगे कि आज कई दिग्गजों का यहाँ पर दौरा है, तो ट्रैफिक को लेकर प्रशासन की क्या कुछ सुविधा, क्योंकि कई बड़े दिग्गज आज प्रतापगढ़ में पहुंच रहे चुनावी रैली के लिए, तो हम ये पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ट्रैफिक को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां है कि जनता को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल, बात करेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो कई थानों की फोर्स पूरी तरीके से लालगंज क्षेत्र में मुस्तैद है, रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र मुस्तैद है, जिस तरीके से गृह मंत्री का दौरा उसके साथ प्रियंका वाड्रा जी का दौरा, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए पूरी तरीके से पर खिसका देने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं कई थानों की फोर्स के समेत यहाँ पर पूरी तरीके से ITBT टीम और कई जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे मार्ग जो है पूरी तरीके से विचलित कर दिया जाए ताकि कहीं पर जाम की समस्या ना हो। जी प्रेम हम आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता उदय शंकर भी हमारे साथ मौजूद है। उदय शंकर, बहराइच में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार को लेकर, सभी दिग्गज अपनी जान झोंक देंगे, चाहे वहां के प्रत्याशी हो चाहे वहां पर जो स्टार प्रचारक आज दौरे पे गए हैं, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है कि वहां के लोकल लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। जी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे जी कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं पर जो है SP और यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला इस समय जो है वहाँ सड़कों पर ही नजर आ रहा है, इसलिए कि कोई भी जो है वाहन वो सड़क पे ज्यादा देर रुके ना और सीधे आवागमन जो है चलता रहे। अच्छा उदय शंकर, एक बार हम आपसे और जानना चाहेंगे कौन कौन सी हॉट सीट है और कौन कौन से स्टार प्रचारक आज बहराइच में है। सबसे ज्यादा जो है हॉट सीट यही सदर की मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो BJP की प्रत्याशी थी अनुपमा जायसवाल जी, उनका कई जगह यहाँ पर विरोध भी था, उसके बाद जो है उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया और यहाँ से जो कि पूर्व मंत्री थे यासर शाह जी, उनको सपा से इस बार जो है उनके सामने उतारा गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो हार्ड सीट देखी जा रही है सदर सीट से जो है ज्यादा अहम मानी जा रही है। जी मैं प्रतापगढ़ में आना चाहूंगी, मैं जल्दी में आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि गुलशन यादव ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए कि उनकी जान को खतरा है, तो किससे उनको जान को खतरा है और क्या कुछ कहना है वहां की जनता का इस मुद्दे पे लेकर प्रेम। मैम बात करें यदि गुलशन यादव ने बीते दिनों पहले ट्वीट करके उन्होंने ये कहा था कि हमारी जान को खतरा है, उन्होंने राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह पर आरोप लगाया, उन्हीं के साथ में रहने वाले गोपाल जी अच्छे प्रताप सिंह गोपाल जी पर भी आरोप लगाया था कि इनसे इन दोनों लोग से हमारी जान को खतरा है, उन्होंने बेहद साफ तौर पर इन दोनों दमदार नेताओं को चिन्हित किया था। लेकिन इसी के साथ जब वो गए वहां पर, जैसे ही वो जाते हैं कि
नामांकन प्रक्रिया को दर्ज करने के, वहां एक व्यक्ति असलहे के साथ पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आरोप लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो गुलशन यादव पर हमला करने वाले के हमला करने के लिए आए थे। तो ये बात पूरी तरीके से इंटरेस्ट उठ गया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल ऐसा कोई भी नजारा नहीं देखने को मिला, लेकिन कुंडा विधानसभा क्षेत्र अब की बार वहां का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प और रोमांचक रहेगा। और कुंडा विधानसभा क्षेत्र में अब की बार एक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक प्रत्याशी की दमदार तरीके से जीत हो सकती है, तो चुनाव जो है वो पूरी तरीके से दमदार रहेगा। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो हॉट सीट कुंडा मानी जाती है, हॉट सीट रामपुर खास मानी जाती है, हॉट सीट पट्टी मानी जाती है। तीनों हाल में ही इन तीनों हॉट सीट पर पूरी तरीके से निगाह बनी है, कहीं पर भी ये कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता कि एकल और एकमुखी तरीके से पूरी टेस्टेड सीट रहने प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रह रही है। तो जो जो प्रतापगढ़ की बात जो जिस तरीके से ट्वीट करके एक आरोप लगाया था, राजा भैया से भी इस पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया कि आपके विपक्ष में इस तरीके से गुलशन यादव जी ने आरोप लगाया, तो राजा भैया ने कहा कि ये उनका काम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ट्वीट पढूं और उनका मैसेज पढूं, उनका काम है आरोप लगाना, मेरा काम है अपना काम करना। तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था। तो कहीं ना कहीं गुलशन यादव का ये जो आरोप है कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन गुलशन यादव ने ये ट्वीट करके अपने जानमाल का खतरा बताया था। एसपी प्रतापगढ़ से इस घटना के बाद उन्हें एक और भी बढ़ा दी गई थी। जी, आप लोग बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, हम जल्दी आप दोनों के साथ जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ और बहराइच से हमारे साथ जुड़े थे, और प्रतापगढ़ एक हॉट सीट है, अगर बात कुंडा विधानसभा हो, रामपुर खास हो, पट्टी हो, तीनों जगह से दिग्गज चुनावी मैदान में है। कुंडा कई मामलों में कॉन्ट्रोवर्सियल सीट रहा है, पहली बार समाजवादी पार्टी ने इतना मुखर होकर अपना प्रत्याशी वहां से उतारा है। वही अगर बात पट्टी की जाए तो वहां से मोती सिंह है जो मंत्री भी रहे, वो भी एक प्रतिष्ठित नेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रामपुर खास की सीट है। आराधना मिश्रा मोना खुद नेता प्रमोद तिवारी की बेटी वहां से खुद चुनावी मैदान में है, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आराधना मिश्रा मोना लगातार मौजूद रही हैं, चाहे वो कोई भी उनका दौरा हो, चाहे उनका मैनिफेस्टो लॉन्च करने का समय हो, जब उन्होंने विधान लॉन्च किया था तो हर वक्त आराधना मिश्रा मोना उनके साथ मौजूद रही हैं। जो एक कांग्रेस का नारा था, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें कदम से कदम मिलाकर आराधना मिश्रा मोना उनके साथ चली हैं। ऐसे में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आराधना मिश्रा मोना को रामपुर खास की महिलाएं कितना सपोर्ट करती हैं, जैसा कि हमेशा महिलाएं एक साइलेंट वोटर के रूप में सामने आई हैं। ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि महिला खुद कितने अफेक्ट होती हैं उस महिला से जो खुद इस मैनिफेस्टो को सामने लेकर के आई हैं। वैसे तो अगर बात किया जाए आराधना मिश्रा मोना की, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जाती हैं, वहीं काफ़ी दो बार से वहाँ पे वो चुनाव जीतती रही हैं, उनका पैठ माना जाता है रामपुर खास विधानसभा सीट की। अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच से भी अनुपमा जायसवाल एक अहम मुद्दा है। बहराइच की जनता काफ़ी दिनों तक अनुपमा जायसवाल से नाराज भी नजर आ रही थी, लेकिन अनुपमा जायसवाल ने सबको मनाकर अभी तक फिलहाल अपने पाले में कर लिया है। तो अब देखना यह है कि जनता किन मुद्दों पर मतदान केंद्र जाएगी 27 तारीख को। आपको बता दें पाँचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होना है। रविवार यानी 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, जिसको लेकर सभी दिग्गज आज अपना दमखम चुनावी मैदान में दिखा रहे हैं। सभी कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनके पाले में है, सभी जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ के प्रत्याशी हो या स्टार प्रचारक हो, सभी लगातार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जनता को किस तरह से अपने पाले में किया जाए। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब कोशिशें हो रही हैं। वहीं चुनाव आयोग ने पांचवें चरण के मतदान के लिए कमर कस लिया है। वहीं स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। पांचवें चरण में प्रदेश में 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, मतदान का समय निर्धारित कर दिया गया है। वही हमारे संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम शंकर, रायबरेली में क्या कुछ इस वक्त चुनावी माहौल है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं रायबरेली में और कौन कौन से पहुंचने वाले हैं? आज जो है, हेलो जी ओम शंकर, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज तो से मैं फ्रेम नहीं बन पाया जी। ओम शंकर, अगर बात किया जाए कौन कौन से दिग्गज आज रायबरेली में मौजूद है?
में जो है आज विधानसभा जनपद की बची है सलोन विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा है वहां पर जो है प्रियंका गांधी का दौरा है और आज जो है वो सुरक्षित सीट मानी जाती है राज्य जनपद की। जी और प्रियंका गांधी के अलावा क्या कोई और दिग्गज भी आज मौजूद रहेंगे चुनावी प्रचार के लिए? जी हाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है सलवन विधानसभा की सुरक्षित सीट पर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन पासी के पक्ष में जो है वो महंगा कोल्ड स्टोरेज की एक मैदान है वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ओमशंकर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी वहां पर अभी है कौन कौन से मजबूत कैंडिडेट्स है वहां रायबरेली से। जी हाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के दल बहादुर कोरी जो है वो वहां से विधायक बने थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो सीट 6 महीने लगभग खाली रही। अब उन्हीं के लड़के अशोक कोहली को मैदान में उतारा गया है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जी और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो कितने कुछ डाइवर्जन किए गए हैं शहर में? नहीं जिला क्योंकि राजनीतिक जनपद में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं अब सिर्फ 1 विधानसभा सलवन बची है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है पैरा मिलिट्री फोर्स पुलिस बल के साथ साथ जो है जिला प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है कहीं तरह की किसी भी अराजकता या अनियमितता की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। जी आपका जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े थे। रायबरेली में भी आज कई दिग्गज चुनावी प्रचार के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि 5वें चरण के 61 जिलों पर यह 5वें चरण का चुनाव होना है रविवार यानी 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में सभी दिग्गज चुनावी मैदान में है सभी जनता को अपने पाले में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं 5वें चरण के चुनाव के लिए। वहीं 5वें चरण में कई सीटें हॉट सीट बनी हुई है। वहीं बात अगर अयोध्या की करें राय रेली की करे अमेठी की करे और सबसे हॉट सीट अगर बात प्रतापगढ़ की करे तो प्रतापगढ़ भी काफी कंट्रोवर्शियल सीट है। हर चुनावी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 27 तारीख को चुनाव है देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।